तो पंडित जी, सबसे पहला यही सवाल है कि अगर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी है, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है, तो किन बातों का ख्याल रखें, किस दिशा में कैसे पूजा करें, स्थापित करें? देखो, सबसे पहले एक सार्वभौम नियम बताता हूँ सभी दर्शकों को, सभी लोगों के लिए जी। आपके घर में अगर आप चाहते हैं कि उन्नति हो, उत्थान हो, बीमारी ना आए, घर की बदनामी न हो, आकस्मिक संकट न आए, अकाल मृत्यु का भय न हो और घर में सब प्रकार से अमन चैन रहे, अगर आप ये चाहते हो तो आप किसी राशि के हो, किसी वर्ग के हो, किसी प्रोफेशन में हो, वो मतलब नहीं रखता है जी। मतलब ये रखता है कि आपका पूजा स्थान अपने निवास स्थान में नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण में होना चाहिए जी। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान नहीं है और मान लीजिए दुर्दैव से और आपको पता नहीं था, अज्ञानतावश या चाहे जैसे वहां बाथरूम हो गया है, टॉयलेट हो गई है, तो अब आपको चाहे स्वयं लक्ष्मी आकर के भी सुखी करना चाहें, स्वयं विष्णु भी आकर सुखी करना चाहें, आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट है, ईशान माने होता है भगवान शिव जी, ईशान कोण माने वो भगवान शिव की दिशा है, और वहां बैठकर आप अगर मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं तो पक्का है किसी भी कीमत पर दरिद्रता, बीमारी, अपमान, बदनामी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आवास को तक्षण और तत्काल त्याग देना चाहिए या फिर उसको ठीक करना चाहिए, वहां से ये सिम्टम खत्म करना चाहिए। तो आप उस प्लेस को बंद कर सकते हैं? हाँ, बंद करने से फायदा नहीं होगा, बंद करने से फायदा नहीं होगा। चूहा मर गया, अलमारी में बंद कर दीजिए तो उसकी दुर्गंध पूरे घर में जाएगी, वहां से उसका प्लेटफार्म ही हटा दीजिए और फिर से वहां नई टाइल्स, नया मार्बल्स लगा करके उसको एकदम अच्छा वाला स्थान बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सभी दर्शकों से अपने कहते हैं कि भाई देखो, कोई पूजा ज्यादा करता है, कोई पूजा कम करता है, किसी का पूजा में मन लगता है, किसी का पूजा में नहीं मन लगता है, इसका मतलब नहीं कि सब नास्तिक हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान में विश्वास करते हैं, दूसरों की भलाई में विश्वास करते हैं, दूसरों की मदद में विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे बैठ करके पूजा नहीं होती, अगरबत्ती नहीं जलती, उनसे दिया जलाना उनको भारी पड़ता है, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मंदिर में एक घंटे नाक पकड़ करके बैठे रहेंगे और उसके बाद में किसका जेब काट लें, किसका बुरा कर दें, किसकी चुगली कर दें, किसकी बुराई कर दें, ऐसे भी लोग होते हैं। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आपका पूजा घर ईशान कोण में है और वहाँ आपने कोई गृहस्थी का सामान नहीं रखा है, ना अलमीरा रखा है, ना आपने वहाँ स्टोर रूम बनाया है, ना वहाँ आपने कोई सामान रखा है, ना वहाँ आपने बेड लगाया है, तो आप पक्का मानिए कि आधा दुर्भाग्य तो आपका ऐसे ही दूर हो जाएगा। पूजा कम करिए, ज़्यादा करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, सब चलेगा, केवल सही जगह पर सही चीज़ हो जाए। सही जगह पर अगर सही चीज हो जाए तो आधा प्रकृति अपने आप संतुलन मेंटेन कर लेती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने घर की उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करिएगा। अच्छा, अब समस्या ये है, कुछ लोग सिंगल बेडरूम में ही रह लेते हैं, आर्थिक स्थिति नहीं है तो एक बेडरूम है उसी में रह लेते हैं, अब वो बेचारे कहाँ पूजा स्थान रखें। कुछ लोग अपने किचन में ही मंदिर लगा लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब दिवाली के दिन पूजा करना है ऐसे लोगों को जिनका उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान किसी कारण से नहीं हो पाया है, मजबूरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो उनको चाहिए कि दिवाली के दिन पूजा करने के लिए शाम के समय जब वृषभ लग्न में पूजा होगी शाम 6 से 8 बजे के बीच में, तब आप अपने घर के मध्य में बीचों बीच, चाहे वहाँ ड्राइंग रूम हो, चाहे वहाँ खाली जगह हो,
खूब बढ़िया साफ सुथरा करके और वहीं एक लकड़ी की चौकी स्थापित करके या लकड़ी का पीढ़ा पीठ जिसको कहते हैं स्थापित करके और उसी पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा रख करके और आपको पूजा करनी चाहिए। वैसे एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि उत्तर दिशा जो है ये माँ लक्ष्मी की दिशा है। माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा पूर्व दिशा या पश्चिम पूर्व दिशा की ओर ही मुँह करके करना चाहिए। पश्चिम दिशा में उच्चाटन होता है, कुछ लोग कहते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके भी महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व की दिशा मुँह करके जब पूजा की जाती है तो शांति पुष्टि और आकर्षण होता है, उत्तर दिशा की ओर जब मुँह करके पूजा किया जाता है तब भी आकर्षण होता है, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पूजा की जाती है तो उच्चाटन होता है, और दक्षिण दिशा की ओर जब मुँह करके पूजा की जाती है तो मारण होता है। इसलिए केवल पितृकर्म दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके किए जाते हैं, बाकी सनातन धर्म में कोई भी पूजा दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं की जाती है। ये बात पक्का दिमाग में बैठा लीजिए। और पश्चिम दिशा में मुँह करके की गई पूजा उच्चाटन देती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब आपको प्रतिमा लगाना है तो कभी भूल करके अपने साउथ के डायरेक्शन में आपको महालक्ष्मी की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। और भगवान गणेश और लक्ष्मी को जब दिवाली पर आप स्थापित करेंगे तो जैसे आप पूर्व मुंह करके बैठे हैं ना, तो आसानी के लिए बता रहा हूँ, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी हों और बाएं हाथ की तरफ लक्ष्मी जी हों, माने लक्ष्मी जी के बाईं तरफ गणेश जी हों और दाहिनी तरफ महालक्ष्मी हों। माँ सरस्वती को माँ सरस्वती की भी उपासना दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए। और अगर आप लक्ष्मी की मूर्ति नहीं ला रहे हैं, सरस्वती की मूर्ति नहीं ला रहे हैं, अक्सर लोगों के घरों में सरस्वती की मूर्ति नहीं आती है, शायद अगर 1000 लोग पूजा करते होंगे तो उसमें एक घर में सरस्वती की मूर्ति आती हो तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई लाता होता नहीं है, क्योंकि मैंने आँखों से देखा है। कोल्हापुर महालक्ष्मी का एक ऐसा स्थान है, कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आदमी एक बार कोल्हापुर महाराष्ट्र जा करके और महालक्ष्मी का दर्शन कर ले और उनके मंदिर की परिक्रमा कर ले तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। वहाँ साक्षात महालक्ष्मी विराज होती विराजमान रहती हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वहाँ दर्शन करने के बाद आपको आभास होगा कि यहाँ साक्षात महालक्ष्मी रहती हैं। वहाँ भी मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी की दर्शन करने के लिए अपार जन सैलाब, अपार भीड़ होती है, और लक्ष्मी जी के सामने जो लोग खड़े हो जाते हैं वो टस से मस होने का नाम नहीं लेते हैं, और लक्ष्मी जी से ठीक 10-12 फीट की दूरी पर पश्चिम तरफ माँ सरस्वती का एक बड़ा सुंदर सा विग्रह है, बड़ा भी है। वहाँ एक महिला पुजारिन भी बैठी रहती हैं, कभी कभी पुरुष भी रहते हैं। जो लोग लक्ष्मी की पूजा करके क्यू से लाइन से बाहर निकलते हैं वो लोग सरस्वती के सामने जब जाते हैं तो 1 सेकंड रुकते भी नहीं हैं। अगर किसी ने सिर झुका दिया तो समझो ये एहसान कर दिया और लोग आगे निकलते चले जाते हैं। ये तो है सरस्वती की हमारे दिमाग में स्थिति। क्या करेंगे सरस्वती को लेकर, लक्ष्मी चाहिए, और नहीं पता है कि अगर सरस्वती नहीं रहेंगी तो लक्ष्मी चाहे जितना आए उनका दुरुपयोग हो जाएगा और वो रूठ जाएंगी और वो आपको त्याग देंगी। इसलिए सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, माँ लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का भी होना बहुत जरूरी है। ये दृष्टांत मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप भी लक्ष्मी लाते होंगे, गणेश लाते होंगे, कुबेर भी लाते होंगे, चरण पादुका भी लाते होंगे, लेकिन कभी आप सरस्वती की प्रतिमा नहीं लेकर आए हैं, और न बाजारों में आसानी से बिकती हुई दिखाई देती है। तो भाई हम तो कहेंगे कि उसका विकल्प हमारे यहाँ पंडितों ने क्या बनाया है,
कि एक बढ़िया खाता बही रजिस्टर या मतलब कि डायरी और एक नई कलम, कलम में कलावा बांध देते हैं और डायरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं और ऊपर लिख देते हैं श्री गणेशाय नमः और उसी को सरस्वती मान करके उसी की पूजा हो जाती है। मतलब डायरी कलम की ही पूजा हो जाती है, वही सरस्वती हो जाती है। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, एक लकड़ी की पीठ छोटी सी अलग से होनी चाहिए, उस पर पीला वस्त्र बिछा करके तब उस पर डायरी कलम या सरस्वती की प्रतिमा जो भी हो उसे वहाँ स्थापित करना चाहिए। सभी मूर्तियाँ घर के पूजा में बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तो कमल के फूल पर ही होना चाहिए। ध्यान देना, अगर लक्ष्मी के साथ उल्लू होगा तो पक्का है कि चाहे जितनी दौलत आ जाए आपके पास, लेकिन आपकी बुद्धि मर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर आती हैं तब तो आपको श्रीमान बनाती हैं, और लक्ष्मी जब अकेले उल्लू पर आती हैं तो आप मान लीजिए कि धनवान तो आप बहुत हो सकते हैं लेकिन आप उस धन का उपभोग नहीं कर सकते हैं। उस धन की दुर्गति करने के लिए कोई न कोई आपके कुल में पैदा हो जाएगा जो उसे अय्यासी में बर्बाद कर देगा। और हर समय प्रतिमा को गणेश जी के दाहिने तरफ ही लक्ष्मी की प्रतिमा को रखना चाहिए। घर में धन की अस्थिरता रहती है तो भगवान गणेश माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसे में भगवान गणेश को माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ ही विराजमान करना चाहिए। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी।